अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है इंस्टेंट पेडीक्योर की, यानी कि मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि पैरों से कैसे सन टैन रिमूव होगा, आपके पांव बिल्कुल साफ़ सुथरे और गोरे हो जाएंगे। इसके लिए पहले हम जो करेंगे होममेड ब्लीच बनाएंगे। लेकिन ब्लीच बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए होममेड ब्लीच बनाते हैं। ये ब्लीच आपके पैरों से सन टैन के निशानात को दूर कर देगी और डेड स्किन को भी ख़त्म कर देगी। इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन हाफ, मैंने लिया है टमाटो और इसका रस मैं इसमें निकालूँगी। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका सारा जूस निकल रहा है, ये सारा इसका मैंने जूस निकाल लिया है इस तरह से। इसमें मैं ऐड करूंगी आधा लीमू। लीमू जो है हमारे पाँव से दाग धब्बों को दूर कर देगा। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारे पैरों से डेड स्किन को रिमूव कर देते हैं और हमारे पैर बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को हम अच्छे से देखें मिक्स कर लेंगे तो इसके झाग बनना शुरू हो गए, यानी कि हमारी ब्लीच बनना शुरू हो चुकी है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको अपनी कज़न के पैरों पर अप्लाई करूँगी क्योंकि पिकनिक पे गई थी तो उसके पैरों पर सन टैन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो आइए हम पहले इसको अपनी कज़न के पैरों पर अप्लाई करते हैं। पूरे पाँव पर अप्लाई करना है जैसे कि हम ब्लीच यूज़ करते हैं। अच्छे तरीके से इसको पूरे पाँव पर हम लगाएंगे क्योंकि इसमें जो मैंने यूज़ किया है लेमन, टमाटो जूस और बेकिंग सोडा, इन तीनों में ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारे पैरों से दाग धब्बे सन टैन के निशान को दूर करते हैं और जो हमारी डेड स्किन होती है उसको भी रिमूव कर देते हैं। तो ये ब्लीच मैं अपने पाँव पर अप्लाई करूँगी और तकरीबन 15 मिनट तक ये ब्लीच मेरे पाँव पर लगे रहेगी। प्रोसीजर आपने सेम वैसे ही यूज़ करना है जैसे मैं कर रही हूँ और फिर आप लाइव रिजल्ट भी देखेंगे कि बिफ़ोर आफ्टर में कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। तब 15 मिनट हम इस ब्लीच को अपने पैरों पर लग रहने देंगे, फिर अपना हम पेडिक्योर स्टार्ट करेंगे। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब एक टब में हमने वार्म वाटर लिया है, इतना गर्म पानी जितना मेरे पैर बर्दाश्त कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोई सा भी शैम्पू, जो भी शैम्पू आपके पास हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शायद मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया, निकल गया शैम्पू, ऐड किया मैंने इसमें और इससे मैं ऐड करूँगी लेमन। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस वार्म वाटर में तकरीबन 5 मिनट तक ब्लीच समेत पाँव, ब्लीच लगी हुई पाँव पे ऐसे डिप कर लेंगे। पाँच मिनट तक तकरीबन आपने पाँव को डिप रखना है ताकि जो आपकी डेड स्किन है वो तर जाए अच्छे से और जो दाग धब्बे हैं वो भी साफ हो जाए। तो 5 मिनट तक हम पाँव को गर्म पानी में भिगो के रखेंगे। अब हम अपने पाँव को किसी भी कपड़े से ड्राई आउट कर लेंगे, टॉवल से कर लें या किसी भी मलमल के कपड़े से कर लें, अच्छे से साफ़ कर लें ताकि जितनी डेड स्किन है उतर जाए। आप देख सकते हैं सिर्फ इसी प्रोसीजर से पाँव कितने साफ़ हो चुके हैं। अब हम इस पर स्क्रब करेंगे और क्लिंजर करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये पाँव इंस्टेंटली वाइट हो जाएंगे। चलाइए नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब हम ये फूड स्क्रब अपने पैरों पे अप्लाई करेंगे जिसे मैंने राइस फ्लावर और दही से बनाया है। इसको हमने दोनों पैरों पे अप्लाई करना है और सर्कुलर मोशन में तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताते चलूँ कि ये स्क्रब हमने वॉश आउट नहीं करना बल्कि इसको ड्राई करके उतारना है, रब करके इसको हमने सुखा के उतारना है ताकि डेड स्किन होगी वो भी उतर जाएगी और आपके पाँव बिल्कुल साफ़ सुथरे चमकदार हो जाएंगे और एक ही दफ़ा से इसका आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। व्यूवर्स, ये वो पेडीक्योर है जो पार्लर जाके हज़ारों रुपये में करवाते हैं, लेकिन ये आप अपने ही घर में खुद सिर्फ समझें इसमें आपके अगर देखे जाए तो 100 रुपीज़ लगेंगे और बेहतरीन इस पेडीक्योर आप अपने घर में कर सकते हैं। बकरे से पहले एक दफ़ा लाजमी अप्लाई कीजिएगा और लोग देखते ही बोलेंगे और पूछेंगे ज़रूर कि आपसे कि आपने ये पेडीक्योर कहाँ से करवाया।
अच्छे से अपने सर्कुलर मोशन में पैरों पर मसाज कीजिए और इसको हम फिर ड्राई करके उतार देंगे। इसके बाद स्क्रब के बाद आप कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लेके अपने पैरों को मॉइस्चराइज कर लें। इससे क्या होगा कि आपके हमने जो इसमें यूज़ किया है बेकिंग पाउडर, उससे पैरों पर थोड़ी सी ड्राइनेस हो सकती है। तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हैं। और भी आप देखिए मेरे पैर कितने ज़्यादा ब्राइट हो चुके हैं, वाइटनप हो चुके हैं, इस पर से सनटेन भी दूर हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, रिजल्ट आया है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।